अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है, कैसे हो सब लोग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। और फिर से एक बार आपके साथ सामने लेकर आया हूँ वीकेंड का वार या मजाक के कुछ पॉइंट्स लेकर। भाई तुमको अगर वीकेंड का वार कंडक्ट करना ही नहीं है तो आप प्रोमो क्यों दिखाते हो? पब्लिक अपना पूरा काम दाम छोड़ के आपका वीकेंड का वार देखने के लिए आती है कि भाई जिस तरह से आपने प्रोमो दिखाए तो सब लोग देखना चाहेंगे कि भाई करण ने किस तरह से ईशा की क्लास ली और फिर समद को झाड़ा, मुनव्वर को क्या कहा, आयशा को क्या कहा, विक्की को क्या कहा, अंकिता को क्या कहा, और बस ये बताते 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 बस आप क्या करते हैं, ये सब प्रोमो बताने के बाद आप देते हैं पब्लिक को बाबा जी का थुल्लू। क्या भाई लोग, बिग बॉस ये आपकी लूलगिरी की वजह से है ना, ये आपकी लूलगिरी की वजह से बिग बॉस जो है इस बार टीआरपी, बिग बॉस की टीआरपी कमती है, समझे? वरना अगर आप पिछले सीजन्स में देखेंगे तो भले ही आप कुछ ज्यादा नहीं ये कर रहे थे पर फिर भी उसमें टीआरपी आ रही थी, क्योंकि तभी टास्क थे, कुछ ऐसे चीजें करते थे जिसमें देखने में मजा आता था। ये आपने फैमिली वीक बनाया, क्या फैमिली वीक बनाया, उसमें भी पार्शलिटी, हाँ उसमें भी आपने पार्शलिटी कर दी, किसी के फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी की फैमिली को कम इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों? विकी जैन और अंकिता लोखंडे की फैमिली ने कुछ ज्यादा पैसे दिए आपको? हाँ तो आपने उनकी फैमिलीज के लिए एक पूरा के पूरा एपिसोड काट दिया, एक एपिसोड काट दिया, बस हमें बेटा विके बेटा अंकिता बेटी मुझे छोड़ दे ये सब बताने के लिए। फालतू शायरियां सुनाने के लिए आपने क्या बताया? आपने विकी जैन की माँ को और अंकिता लोखंडे को थेरेपी रूम में लेकर गए, आपने ईशा और समर्थ, ईशा के डैडी और समर्थ को थेरेपी रूम में लेकर गए, आपने अभिषेक की माँ और ईशा को थेरेपी रूम में लेकर गए। क्या आयशा और मुनव्वर का मैटर बड़ा नहीं था? वो एक दूसरे से बात करने के लायक नहीं था क्या? उनको थेरेपी रूम में भेजा नहीं जा सकता था? तो ये डिफरेंस क्यों? मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप इतना बायस क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपका कलर्स के चेहरे सिर्फ अभिषेक को छोड़ के बाकी सब इतने कमाल नहीं कर रहे, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं पैदा कर रहे, इतनी टीआरपी नहीं पैदा कर रहे, तो आप उनको वैल्यू नहीं देंगे? ऐसा क्यों?
और थेरेपी रूम में जाके भी जिस तरह से आप प्रोमो में बताते हो, वो बोलते हैं ना एक कहावत है, खोदा खोदा पहाड़ निकली चुया, आपके प्रोमो भी आजकल वैसे ही जा रहे हैं। आदमी एक्साइटेड होके बैठता है कि भाई थेरेपी रूम में ईशा के डैडी समर्थ को क्या बोलेंगे, कितना झाड़ेंगे, और अभिषेक की माँ ईशा को कितने झाड़ेगी और क्या बात करेगी। कुछ हॉट टॉपिक होगी, पर क्या कुछ नहीं कि भाई आप लोग बाहर की बातें मत लेकर आओ, आप लोग दूर दूर खेलो, ये करो, ये बातें तो बाहर भी हो सकती थी, थेरेपी रूम में जाने की जरूरत क्या थी। आप लोगों ने इन लोगों का कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा बताया, आपने तो शहजाद का और बुढ़वर की बहन गुड्डू दीदी का तो कुछ भी कन्वर्सेशन बताया नहीं। आप लोगों ने लाइव फीड में भी जब ये लोग घर में थे, मनारा की बहन, मुनव्वर की बहन और आयशा के भाई शहजाद, तब ने आप लोगों ने लाइव फीड को भी म्यूट रखा हुआ था। और जब ईशा के डैडी, समर्थ के डैडी और उनकी मम्मी आए, तब लाइव फीड में आवाजें थी। ऐसा क्यों? क्यों आपको कुछ क्लियरिटी करनी नहीं है कि मुनव्वर और आयशा के भाई के साथ में ज्यादा क्या बात हुई? आपने बस छोटे छोटे क्लिप्स बता दिए। आपको क्या प्रूफ करना है कि मुनव्वर किस तरह का है? हो सकता है कि जब वो लोग घर में हो तो उनकी कोई पॉजिटिव बातें हुई हो। जिस तरह से आयशा का भाई काफी जो सीधा था, डाउन टू अर्थ था, रिस्पेक्टफुल था, तो वो उसने भी कुछ ना कुछ तो बात तो करी होगी अपनी बहन से और अपने और मुनव्वर से। वो लोग भी रात में एक साथ में बैठे हुए थे, तभी भी बात हुई थी लाइव फीड में। जो है मुनव्वर की बहन जब उसके सर पे तेल लगा रही थी, तभी उनकी बातें हुई, आपने वो नहीं बताया कि क्या भाई बहनों की बातें हुई। आप लोगों ने अंकिता लोखंडे और विकी जैन की माँ के ऊपर तो पूरा के पूरा एपिसोड काट दिया रात के सोने तक। और विकी जैन भाई, आप क्या घड़ी घड़ी मुनव्वर को ताने मार रहे हो, अरे इसके ऐसा बंदा होना चाहिए, अरे इसके ऐसा ये होना चाहिए, लाइफ में ऐसा होना चाहिए, क्या है भाई? हो गया, 10 टाइम आपको ताने मारने की जरूरत नहीं है। आप कितने दूध के धुले हो पता नहीं, कोयले के खान में आपने कितना मुंह काला किया होगा आपको पता नहीं है, क्योंकि आपकी चीजें बाहर नहीं आई है, समझे? आपकी भी चीजें बाहर, जिस दिन आपकी चीजें बाहर आ गई तो आप भी शायद बाहर दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। आपका बिहेवियर ही बताता है कि आप किस टाइप के बंदे हो जो हर एक के ऊपर लाइन मारते हो। आपका बस चले तो आप आयशा के पीछे ऐसे पड़ गए, आपका बस चले तो मनारा के पीछे ऐसे पड़ गए। तो आप दूसरे को क्यों एडवाइस देते हो ऐसे, क्यों ताने मारते हो? मुनव्वर की मुझे ये बात जरा भी पसंद नहीं आती है कि वो अपने दोस्त के लिए खड़ा नहीं होता। भाई तुझे अंकिता और विक्की से क्या डर है? वो क्या तेरा बाहर निकलने के बाद तेरा कोई शो स्पॉन्सर करने वाले, या तुझे कोई कुछ चीजें प्रोड्यूस करके देने वाले हैं जो तू उनसे उनको नाराज नहीं करना चाहता? जब अभिषेक की एक आदत है कि
कि वो होता है ना कि जमीन के ऊपर आप जोर से जब बॉल मारो तो वो अप एंड डाउन करते रहता है, उसी तरह से अभिषेक का भी ये नेचर है, आप उसको एक बोलो वो आपको दो बोलेगा, वो आपको रिटर्न बैक करेगा। वो इतना भी पागल नहीं है कि किसी को भी गाली दे दे, जब सामने से उसको गाली मिलेगी तब वो उसको गाली देगा। चलो मुनव्वर, आपने ईशा की गाली नहीं सुनी तो आपको पता नहीं था, जब उनका आर्ग्यूमेंट चालू हो गया आप उठ के अंदर चले गए और फिर आपने आयशा के भाई को बोला कि भाई बाहर लफड़े चालू हो गए वापिस से ईशा और अभिषेक के, और जब तक झगड़ा बढ़ गया था तब तक आप अंदर थे और फिर बाद में आप बाहर आ गए। जब उसने जब गाली दी लिप मूवमेंट के ऊपर से, तो उसने बोला कि भाई तू ऐसी होगी, और उसके ऊपर से झगड़े चालू गए। और विक्की जैन भाई, आपको इतना बुरा लग गया, और ये लड़की को गाली देता है, भाई तेरी कौन लगती है भाई, तेरी जली पड़ी है कि भाई टॉप फाइव में जो मेरा पत्ता सेट हो चुका था अब वो कट गया है, मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती की है कि उसे वापस लाकर, इतनी बड़ी गलती की है कि उसने मेरा खुद का टॉप फाइव का पत्ता कट कर दी, तो आप बिना वजह का उलझ रहे हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप जबरदस्ती की फ्लाइट कर रहे हो, यह पता चलता है। और दो हफ्ते में अंकिता को भी कुछ ना कुछ करना है, तो बस बिना मतलब के वो घुस रही है। इसी आयशा ने तुम्हारे पीछे क्या क्या बोला हो, सॉरी इसी ईशा ने तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बोला हुआ है, इसी समर्थ ने अब विक्की जैन को पीठ पीछे क्या क्या बोला हुआ है, और तुम्हारे मुंह के सामने क्या क्या बोला हुआ है, आप वो तुम्हारे लिए इतने मिठे हो गए, वाह। चलो मुनव्वर भाई, आपने ईशा की गाली नहीं सुनी, आपने समर्थ की तो गाली सुनी ना, तो तब आप बोल सकते थे कि भाई ये बैटर ईशा और अभिषेक का है, तू बीच में गाली क्यों दे रहा है उसे, तू क्यों उसे ज्यादा चढ़ा रहा है। तो आपके लिए, आपके फैंस और अभिषेक के फैंस, उनके लिए आपके लिए इज्जत बढ़ जाती और आपके लिए रिस्पेक्ट आता। शायद आप भी डर रहे हैं कि अभिषेक से कि भाई वो कहीं आपकी ट्रॉफी नहीं ले ले, इसलिए बिना मतलब का आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो। मैं आपका बड़ा फैन हूं, पर जहां पे आप गलत हो आप गलत हो। अभी ये टाइम है कि आप विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के पल्लू से बाहर निकले और थोड़ा सा स्टैंड लेना चालू करें। जब आप अभिषेक के ऊपर चढ़ते हो तो सब लोगों को क्वेश्चन यही आता है, जब विक्की जैन और समर्थ जब आपसे झगड़ते हैं तो आप इतना बोल नहीं पाते हो, ताकि आप शब्दों के धनी हैं, आप वन लाइनर एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद आप थोड़े से फपल जाते हो। आयशा आपसे बात करती है, आप फपल जाते हो। अगर आपको विनर बनना है तो आपको आपकी जनता को विनर क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि नहीं, ये है मुनव्वर फारूकी, वो किसी से डरता नहीं है। जब हम ट्विटर पे आपके लिए शेर की फोटो लगा के ट्रेंड कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो फिर आप शेर जैसा बिहेव क्यों नहीं करते। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, पर इतनी भी अच्छाई सही नहीं होती। लीडर का मतलब होता है कि टाइम पे खड़े हो जाओ और टाइम पे समझाओ, पर आप टाइम पे थोड़े से पीछे हट जाते हो। आई एम सॉरी मुनव्वर की जनता, शायद आज का जो
ये वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं मुनव्वर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर शायद आज का वीडियो जो है वो आपको अच्छा नहीं लगे क्योंकि मैं मुनव्वर की खामियां बता रहा हूँ। मैं भी खुद जो है मुनव्वर की जनता की जितने भी ट्रेंड है, सदाकत भाई की जितने भी ट्रेंड है, उसमें खुद मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और जो टारगेट अचीव करने के लिए मैं भी एक सपोर्ट करता हूँ। पर मुनव्वर भाई, आपको विनर क्वालिटी और भी ज़्यादा बतानी पड़ेगी, मेकर्स को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, आई एम द डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस ट्रॉफी, नोबडी एल्स। सिर्फ जो झगड़े करता है वही ट्रॉफी का हकदार नहीं होता है, जो शांत और प्यार से रहता है वो भी ट्रॉफी का हकदार होता है। तो प्लीज आप जो है अपने आप को थोड़ा सा ग्रो अप करो, बकल अप करो, ताकि हमें एक वो भी मुनव्वर फारूकी दिखे जो हमने लॉकअप में देखा हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल वीकेंड के वार के बाद और पॉइंट्स लेकर आऊँगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे फॉलो करो और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको देखने में मिले। मेरे इस ब्लॉग्स में मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी हैं जहाँ पे मैंने यूएई के कुछ अच्छे जगहें दिखाई हुई है, लंदन्स के मैंने लंदन ट्रैवल्स के पूरे मेरे पार्ट्स हैं, ये सब बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, चाओ।